अभी बज रहे हैं 11 और धूप इतनी ज़बरदस्त तेज़ हो गई ना कि बता नहीं सकता। और मेरे को करना है लंच क्योंकि मेरे को लग रही है भूख, और इसलिए मैं कोई अच्छी सा शेड ढूंढ रहा हूँ पेड़ का, जहाँ बैठ के मैं आराम से अपना लंच कर सकूँ। तो बीच में एक अच्छा बहुत घना पेड़ मिला था, अभी शायद ये वाला पेड़ देखते हैं। इधर तो गाड़ी नहीं खड़ी हो पाई, किसी का खेत भी है, तो एक बढ़िया सा मस्त पेड़ देख के उसके नीचे बैठना है और लंच करना है। जैसा कि मैंने बताया कि लंच तो मैं घर से ही ले आया था, तो कहीं पे भी ढाबे वाबे पे खाने की ज़रूरत नहीं मुझे, वैसे एक बढ़िया सी प्लेस मिल जाए। और अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 38-39 के आसपास आ चुका है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बिलासपुर से निकलने से पहले मैंने इसको पूरा फुल टैंक कराया था, और अभी जबलपुर भी नहीं आया है और ये ट्रिप एफ में जाने वाली है। इसका मतलब अगर मैं इसका एवरेज काउंट करूँ, जो मैंने पेट्रोल लीटर्स में डलवाया था और जो इसमें था, ऑन एन एवरेज ये लगभग 25 से 26 का एवरेज दे रही है गाड़ी। इसकी जगह अगर मैं एवेंजर लाया होता तो 35 का मिलता, और अगर अपनी डिस्कवर लाया होता तो 50 का मिलता। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कभी लद्दाख किया ना तो ये वाली गाड़ी ले जाऊँ कि वो डिस्कवर ले जाऊँ वही, क्योंकि उसमें तो पेट्रोल का खर्चा सस्ता पड़ेगा और इसमें तो भाई क्या कहने। अब ऐसे जंगल में मैं घना पेड़ कहाँ से एक्सपेक्ट करूँ। मैं सोच रहा था शायद थोड़ा आगे जाके रुकूँगा, वो आगे आगे के चक्कर में अभी तक कोई ऐसा ढंग का पेड़ ही नहीं आ रहा है, और लग भी नहीं रहा है कि शायद कोई आएगा, क्योंकि जहाँ पे तो सारे पेड़ सूख गए हैं। ये जो ढाबा है इसके, क्या बस मैंने एक बार खाना खाया, दूसरी बार इधर खाने का मन नहीं किया। अब वो बहुत पुरानी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में अगर इसी रूट से वापस आया तो बताऊंगा। और जबलपुर यहाँ से रह गया 32 किलोमीटर, तो लगभग 11:30 बजे तक मैं जबलपुर पहुँच जाऊँगा, अगर खाना खाने कहीं नहीं रुका तो। सो फाइनली जबलपुर आ गए हैं, और लगता है यहाँ पे भी लॉकडाउन का ही जो है वो मामला चल रहा है। एंड अपने को तो यहाँ से सीधा बाहर निकलना है। गाड़ी में मेरे को वापस से फ्यूल अप करवाना होगा, और लंच करने के लिए जगह बहुत ढूंढी भाई साहब, लेकिन कोई ऐसा बड़ा पेड़ नहीं मिला जिसके नीचे बैठ के मैं लंच कर लूं। और जब मिला तो सिटी के अंदर आ चुका था। खैर थोड़ी देर और सही, अब किसी पेट्रोल पंप पे व्हीकल को फ्यूल अप कराता हूँ और फटाफट यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जबलपुर पहुँचने में मेरे को लगा 6.5 घंटा, और जबलपुर से निकलने में मेरे को आधा से ज़्यादा घंटा लग जाएगा। आप लोग नहीं मानोगे, तुम लड़के लोग नहीं मानोगे ना, निकलने निकले बिना घर से वो पकड़ पकड़ के बंद करवाया जाएगा। लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डालने की धमकियां तक मिल रही है, फिर भी नहीं मान रहे। मैं कब से सोच रहा हूँ कोई गन्ने के जूस वाला मिल जाए, बट मिल नहीं रहा।
भाई गर्मी तो बहुत ही होते जा रहा है, ऊपर से इसका इंजन तप रहा है। पूरा जबलपुर निकलने के बाद भी कहीं पे गन्ने का रस नहीं मिला था। हाँ, फिर अब ये मेन रोड पे भैया मिल गए। डालो डाल दो। रुका तो था मैं गन्ना रस पीने, फिर सोचा एक बजने वाला था, मैंने कहा चलो लंच ही कर लिया जाए। अब बैठ के लंच कर रहे हैं। तो अभी आ गए हैं कटंगी, और कटंगी में यहाँ पर झुर्रे बहुत मशहूर है। अब झुर्रा क्या होता है कि यहाँ पे बड़े वाले गुलाब जामुन को झुर्रा कहते हैं, और उसको मठी के अंदर डाल के देते हैं, और सिंगल सिंगल पीस भी आप खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है यहाँ पे। वो लिखा है झुर्रे का रसगुल्ला, और ऐसे मटकियों में रखा रहता है, और मटकियों में ही पैक करके देते हैं। कटंगी में यहाँ के पहाड़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब मैंने यहाँ के पहाड़ कुछ अलग ही डिज़ाइन में दिखते हैं मेरे को, और एक इस साइड वाला जो पहाड़ आता है वो तो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे विदेशों में हमने देखे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो पहाड़ है इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, ऐसा बिल्कुल खड़ा है, और एक वो वाला सामने वाला है वो ऐसा लगता है कि बस एक 3D पेंटिंग बना दी हो, मतलब बिल्कुल ऐसा नुकीला टाइप का है वो धारदार, मतलब इसमें और उसमें कितना अंतर है ये वाले पहाड़ में और वो सामने वाले पहाड़ में। अभी लंच के लिए काफ़ी लंबा टाइम मैंने रेस्ट ले लिया था, और 45 मिनट्स का मैंने रेस्ट ले लिया था, क्योंकि डिंडोरी के बाद से भी कहीं रुका नहीं था मैंने। मैंने सोचा कि पहले गन्ने का जूस पीऊँ, तो उसके बाद सोचा कि गन्ने का जूस तो पी लिया है तो खाना भी खा लूँ, और वहाँ पे अच्छे छाँव में सब बिछा हुआ था। तो मैंने कहा चलो यार खाना भी खा ही लिया जाए। अभी 1:30 बज रहा है, और 5 बजे तक कम से कम हमको गर्मी का सितम झेलना है। सामने बादल तो दिख रहे हैं, फोरकास्ट भी था कि अगले 2 दिन में बारिश और छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन ये गर्मी को देखते हुए लग तो नहीं रहा है। सागर 124 किलोमीटर है, और दमोह 59 किलोमीटर, मतलब दमोह पहुंचने में हमको 1 घंटा लगेगा और सागर पहुंचने में 1.5 घंटा। कटंगी से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो जस्ट जबलपुर की साइड से स्टार्ट ही हुआ है, और थोड़ा नींद सा लग रहा था तो एक जगह रुक के
बगल में तालाब है और पेड़ की छाँव में गए नीचे रुक के, थोड़ा पानी वानी पिया। गर्मी बहुत है एक्चुअली, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि पूरा अंदर का टी शर्ट गीला था। ये पूरा हाईवे है, साइड में ही गाड़ी रोक के रखा हुआ है। एक्चुअली आज सुबह जब से निकला हूँ ना, डबल माइंडेड हो रहा हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। काम ज़रूरी है इसलिए जाना है, बट अंदर से मन नहीं बोल रहा था, लेकिन अब निकल गया हूँ तो पहुँच के दम लूँगा। बाकी सब ऑल इज़ वेल, और तो विशेष कुछ है नहीं, बस जैसे ही यहाँ से थोड़ा बैकअप करता हूँ फिर निकलता हूँ। बादल भी छुपम छाई खेल रहे हैं, कभी आ जा रहे हैं कभी पूरा धूप निकाल दे रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर हियर, अभी आगे निकल के फिर बताता हूँ आगे क्या है एग्जैक्टली। बाकी लगता नहीं है, ये 5 बजे तक तो कम से कम ये धूप झेलनी है, और बहुत बुरी तरीके से झेलनी है। चलो आगे मिलता हूँ। We'll be right back.